हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विजय टेक पर। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो हमारी यूट्यूब फैमिली मेंबर्स की तरफ से होने वाला है, क्योंकि उन्हीं के कमेंट पे ये मैं वीडियो लेकर आया हूँ। काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे, मैसेज वगैरह, कॉल वगैरह सब कुछ मेरे पास आ चुके हैं इस वीडियो के लिए। तो उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है और ये कौन सा वीडियो होने वाला है, वो सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ऑल पे क्लिक करके। तो इस तरीके से यूट्यूब पे प्यार दिखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ सभी लोगों को, यूट्यूब फैमिली को, सारे मेंबर्स को। अब चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो कई लोगों के कमेंट आया कि हमारा डेटा है वो मतलब हार्ड ड्राइव ख़राब हो चुका है, आप उसे सही कर सकते हो क्या, हमारा डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और ऐसे इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा बातें हुई। और कई लोगों के कमेंट आए कि क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे हार्ड ड्राइव वगैरह को सही कर सकते हैं, डेटा वगैरह वापस ला सकते हैं। तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मुझे पेमेंट के लिए भी कहा कि आप जितने पैसे लो हम दे देंगे, पे कर देंगे, लेकिन आप हमारी जो डेटा है वो लाकर दे दो। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं पैसे मतलब किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना सही नहीं समझता। तो मैं इसीलिए ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ कि किस तरीके से आप सेल्फ ये चीज़ें कर सकते हो, वो चीज़ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, एक भी स्टेप मिस मत कीजिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपना डेटा वगैरह सेव रख सकते हो। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया कि डेटा आपका कभी भी खराब नहीं होता है, तो प्रैक्टिकल में आपको बता देता हूं किस तरीके से कहां पे आपका डेटा सेव होता है। जैसा कि पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था, लेकिन मैं इस वीडियो में बता देता हूं कि किस तरीके से आपका डेटा कहां पे जाके सेव होता है। तो यहाँ पे देखिए, ओपन करने के बाद में हार्ड ड्राइव ऐसा दिखती है। एक तो होता है इसका ये पॉइंट, जो इसका यहाँ पे चिप सेट है ये पॉइंट होता है, और एक यहाँ पे अंदर आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि आपका डेटा कहाँ पर सेव होता है। जो डेटा है इन प्लेट्स के अंदर सेव होता है। अगर इन प्लेट्स पर कभी भी स्क्रेच वगैरह नहीं आते हैं तो ये डेटा आपका लाइफ टाइम तक सेव रहने वाला है, इसमें कभी भी आपका डेटा ख़राब नहीं होता है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका डेटा वगैरह ख़राब हो गया है, डिलीट हो गया है। मतलब डिलीट तो हो सकता है लेकिन खराब नहीं हो सकता। जैसे हार्ड ड्राइव खराब हो गई तो आप बोलते हो कि हार्ड ड्राइव खराब हो गई, डेटा पूरा खराब हो गया। ठीक है, तो डेटा कभी भी खराब नहीं होता, डेटा आपका यहाँ पे हमेशा लाइफ टाइम सेव रहता है। अब इसको निकालने का जरिया मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। एक भी स्टेप मिस करोगे तो आप ये वीडियो नहीं समझ पाओगे और जो मतलब टिप्स है वो आप मिस कर जाओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और बात करते हैं किस तरीके से इसको सही करा जाता है, किस तरीके से आपका जो डेटा है वो लिया जाता है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि कई लोगों को ये वीडियो काफ़ी लंबा लग सकता है। तो सॉरी उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, इस चीज़ को आपको आराम से सीखना होगा, तभी आप ये चीज़ कर सकते हो। जो चीज़ मैं बताऊँ आपको वैसा ही करना होगा। अगर आप कुछ अलग से करते हो, कुछ दिक्कत हो गई, तो उसका कोई भी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी। ओके गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने दो हार्ड ड्राइव ले ली है सेम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी ये काम करो तो आपका सेम हार्ड ड्राइव होना चाहिए, क्योंकि वो मिसमैच हो जाता है जब भी आपका 1 TB से ज़्यादा होगा, या जैसे आपका हार्ड ड्राइव है वो 500 GB का ख़राब हुआ है और आपने 1 TB में ये चीज़ कर रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कम से कम आपका वो रेंज होना चाहिए, जैसे सेम कंपनी और GB वेरियंट वाला सेम रहना चाहिए। जैसे 500 GB का ख़राब हुआ है, WD का हार्ड ड्राइव है, तो WD 500 GB ही होना चाहिए आपके पास दूसरा। ठीक है, तो अब किस तरीके से क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है और कैसे करना है वो सब कुछ बात कर लेते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने सेम वेरिएंट और सेम GB का यहाँ पे जो है दो हार्ड ड्राइव ले लिया है। तो ये दोनों हालांकि ख़राब है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से आप यहाँ पे अपना डेटा सेव रख सकते हैं। तो सेम आपको हार्ड ड्राइव लेनी है, मॉडल नंबर भले चेंज हो लेकिन आपका जो GB वेरियंट है वो सेम होना चाहिए। 500 GB का है तो आपका दूसरा हार्ड ड्राइव भी 500 GB का ही होना चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिया है 160 GB का, ये पुराना हार्ड ड्राइव है और ये भी 160 GB का है, तो दोनों सेम हार्ड ड्राइव है। यहाँ पे सेम हार्ड ड्राइव का मतलब जो कंपनी है वो सेम है दोनों में, और GB वेरिएंट है वो सेम है। बाकी मॉडल नंबर वगैरह चेंज हो सकते हैं, उसका कोई भी दिक्कत आपको नहीं लेना है। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसको आपको
आपको केयरफुली यहाँ से ओपन करने हैं, जो इसके बोल्ट हैं वो यहाँ पे केयरफुली आपको ओपन करना है। केयरफुली बोले तो आपको इसका पर्टिकुलर जो स्क्रू ड्राइवर आता है वो लेना है, उसके बाद में ही आप यहाँ से ओपन करें। अगर एक भी यहाँ पे स्क्रू लूज़ या आपका जो फ्री हो जाता है तो फिर आपको इसको खोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसका यहाँ पे पर्टिकुलर टूल आता है, उससे ही आपको यहाँ पे ओपन करना है। तो इस तरीके का टूल आपको बाज़ार में मिल जाएगा आसानी से, 100-150 रुपये में आपको मिल जाता है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली बाज़ार से। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे ये देख सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे इसका जो है टूल का मुंह होने वाला है। तो यहाँ पे आप आराम से देख पा रहे हो, तो इस तरीके का आपको यहाँ पे टूल लेना है, और एक टूल ये हो गया और एक टूल इस तरीके का लेना है। तो यहाँ पे दोनों टूल मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे दूसरा टूल इस तरीके से होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से इसे ओपन करना है, कैसे क्या कुछ हो तब आपको ये चीज़ें करनी है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपकी हार्ड ड्राइव कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, कट कट की आवाज़ भी नहीं आ रही है या फिर चल ही नहीं रही है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे कि ये हार्ड ड्राइव है, दोनों हार्ड ड्राइव में मैं देख बता देता हूँ, जैसे कि आपका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जैसे न्यू हार्ड ड्राइव आपने मंगा ली है और ये आपकी पुरानी हार्ड ड्राइव है, तो आपको सबसे पहले ये जो है इसका ये यहाँ पे मीडिया कार्ड होता है, इसको आपको चेंज करना होता है। तो यहाँ से ये देखिए 1, 2, 3, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे नट्स मिलेंगे, वो आपको यहाँ पे ओपन करना है और इसके भी ओपन करना है। ओपन करने के बाद में इसे सीधा ऊपर खींचना है, खींचने के बाद में यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा और आपको सीधा इसका निकाल के और इसमें शिफ्ट कर देना है। इतना ही काम करना है, फिर आपको वापस ये कसना है और यहाँ पे आपको लगा के चेक करना है। अगर चल जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि कई बार होता है कि ये प्लेट ख़राब हो जाती है, बर्न हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे ये चेंज करने के बाद में ये सही हो जाती है। अगर ये सही मतलब ये सही है और आपके हार्ड ड्राइव लगाने के बाद में आपको पावर देने के बाद में कट कट की आवाज़ आ रही है, तो आपको क्या करना होगा वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसा कि फर्स्ट काम आपने कर लिया, फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर ली, ये आपको चेंज करके देखना है। अगर चेंज करने के बाद में भी आपका हार्ड ड्राइव काम नहीं कर रहा है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आपको सेम कार्ड वापस शिफ्ट कर देना है। उसके बाद में क्या करना है, तो यहाँ से मैं जो बता रहा हूँ वैसा करना है, आपको ये स्क्रू यहाँ से ओपन कर लेना है, फिर एक स्क्रू यहाँ पे आएगा। ठीक है, मैं अभी सारा सब कुछ बताऊँगा। ये देखिए एक स्क्रू इसके अंदर आएगा, यहाँ से आपको यहाँ से इस तरीके से कट कर लेना है इसको। यहाँ पे देखिए ये स्क्रू है, आप जैसे भी प्रेस करोगे इस पूरे स्टिकर पे तो आपको होल दिखाई देगा, होल पे आपको यहाँ से इसको कट करके यहाँ से जो स्क्रू है वो खोल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे पास से दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक स्क्रू आता है, यहाँ से वो मैंने खोल दिया है, जैसा कि मैं अभी दूसरी हार्ड ड्राइव में आपको खोल के बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है, फिर जैसे ही आप ये खोलोगे तो यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा चिपका हुआ आता है, तो काफ़ी आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ सील लगी हुई आती है चारों तरफ। ठीक है, ये जो डिजाइन बनी है इसके नीचे पूरी सील लगी हुई आती है, तो उस सील को हटाने के लिए आपको यहाँ से कुछ भी ऐसा लेना है, तो हथियार मतलब जैसा कि टूल, तो यहाँ से ऐसे इस तरीके से ये टूल लेना है। देखिए मैं बता देता हूँ, तो इस तरीके से टूल लेना है और इसको ऐसे इसकी तरह ऐसे ऊपर कर देना है। तो चारों कोनर से आप ऐसे ऊपर कर दोगे तो ये आसानी से ओपन हो जाएगा। ये देखिए, तो ये देखिए मैं जो बता रहा था, ये देखिए यहाँ पे ये गम लगा हुआ है इस तरीके से, ताकि इसके अंदर धूल मिट्टी नहीं जाए, कुछ भी इसके अंदर ना जा पाए। देखिए तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लीन है, कुछ भी धूल मिट्टी यहाँ पे नहीं दिख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास हार्ड ड्राइव निकल के आएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इस प्लेट को यहाँ पे चेंज करना होगा। जैसा कि ये पुराना हार्ड ड्राइव है तो ये प्लेट्स आप में इसका डेटा है, तो आपको नए हार्ड ड्राइव में ये शिफ्ट करनी होगी, क्योंकि नया हार्ड ड्राइव एकदम सही है, उसकी प्लेट्स वगैरह एकदम सही होती है और प्लेट्स कभी ख़राब नहीं होती। आपको मैंने पहले भी ये चीज़ बता दी है, आपकी प्लेट्स कभी भी ख़राब नहीं होती है। ठीक है, तो ये प्लेट्स आपको इसमें शिफ्ट करनी होगी। अब किस तरीके से शिफ्ट करनी होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो अब ये देखिए यहाँ पे हाथ के निशान लगे हुए हैं, इस तरीके से आपको नहीं लगाना है, ये काम थोड़ा केयरफुली करना है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, जो भी काम करो आपको केयरफुली करना है, आपको बाहर नहीं खोलना
खोलना है आपकी हार्ड ड्राइव को, आप कमरे में खोल सकते हो जहाँ पे धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं आती हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप खोल सकते हो। बाकी आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे वन बाय वन खोल के आपको बता देता हूँ। ये ओपन है ऑलरेडी, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ से इसके स्क्रू जो है वो यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको केयरफुली करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर इसका सेपरेट टूल यूज़ नहीं करोगे तो यहाँ पे आपके पेच वगैरह फ्री हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है, या हो सकता है कि उसके बाद में आपका काम ही डन नहीं हो पाए, आपका जो डेटा है वो आपका नहीं मिल पाए। तो जो मैं काम बता रहा हूँ वो केयरफुली करके आपको कर लेना है, तो आपका जो डेटा है वो आ जाएगा, आपका हार्ड ड्राइव भी चल जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को ये नॉलेज मिल पाए। ये हर कोई ऐसी नॉलेज आपको नहीं देने वाला अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। काफ़ी लोगों ने, काफ़ी भाई लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है, कॉल भी किया है, तो इस वजह से मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कोई भी मतलब ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस आपको सेपरेट टूल लेना है और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो यहाँ पे आपको कर लेना है। अब जैसे आप यहाँ पे हाथ फिराओगे तो ये देखिए यहाँ पे होल हो रखा है, तो यहाँ से आपको किसी भी चीज़ से कट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके का कुछ भी लेके यहाँ से कट कर लेता हूँ, तो थोड़ा केयरफुली करना है ये काम। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से स्टिकर है, इसको आपको हटा लेना है, ये देखिए। तो आप जैसे ही इसको हटाओगे तो यहाँ पे देखिए जो इसका नट है वो यहाँ पे दिख जाएगा, तो इसको भी आपको ओपन कर लेना है, थोड़ा प्रेस करके और फिर ओपन करना है, क्योंकि आप हल्के हाथों से इसको फिराओगे तो ये यहाँ से ओपन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं ये पेच कर देता हूँ साइड में। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था ये चिपका हुआ आता है, चारों तरफ से यहाँ पे गम लगा हुआ आता है, तो आपको टूल की मदद से यहाँ से साइड में से ऐसे करना है, ऐसे चारों तरफ से आपको कर लेना है। अगर ज़्यादा चिपका हुआ है तो इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है। ओके, तो गाइस यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो इस तरीके से आपको पेज देखने को मिलेगा। अगर इस तरीके से नहीं तो आपको इस तरीके से, यहाँ पे मैं दोनों तरीके से आपको बताने वाला हूँ तो आपके पास क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे स्क्रू मिलेंगे आपको, यहाँ पे ये एक दिख रहा है, इस तरीके के स्क्रू देखने को मिलेंगे चार पाँच, वो आपको यहाँ से ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका ओपन करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ से इसको रिमूव कर लेना है। जैसे इसको रिमूव करोगे तो यहाँ पे इस चीज़ को हटा देना है। अब इस चीज़ को आपको केयरफुली हटाना है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज़ हटने के बाद में आपको साइड में से कुछ भी इस तरीके से करना है और साइड में से ऐसे करके इसको निकाल लेना है। थोड़ा सा आप साइड में करोगे तो ये प्लेट इस तरीके से आ जाएगी और आपको यहाँ से बीच में हाथ डाल के और इसको निकाल लेना है। तो इस तरीके से आपको ये प्लेट निकालना है और दूसरे उसमें आपको फिट कर देना है। आपका जो डेटा है वो इसमें सेव रहता है और ये स्टील की प्लेट है, आप ऐसा मत समझना कि कांच है और कुछ है, ये स्टील वाली प्लेट है, तो ये स्टील की यहाँ पे दी जाती है जो इसमें डेटा स्टोर होता है। तो इसको आपको दूसरे हार्ड ड्राइव में शिफ्ट कर देना है। जैसे अगर ये हार्ड ड्राइव, तो जैसे ये हार्ड ड्राइव है तो इसका यहाँ पे ओपन करके आपको ये लगा देनी है इजी वे में और जो स्क्रू है वो कस देना है। आप सेम एज इट इज़ काम कर दोगे, उसके बाद में आपको कुछ नहीं है, सेम आपको फिटिंग कर देनी है, इस तरीके से आपको फिट कर देना है। यहाँ पे पेच वगैरह आपको कस देना है और केयरफुली ये काम आपको करना है। तो ये चीज़ आप कर लोगे तो आपका जो डेटा है वो एकदम सेफ़ रहने वाला है, कहीं पे आपका जाने वाला नहीं है, आपकी हार्ड ड्राइव है वो सही हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चेंज करना है दोनों हार्ड ड्राइव में से, आपको ओनली प्लेट चेंज करनी है और कुछ भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद में आपका हार्ड ड्राइव चल जाएगा, 100% चल जाएगा। बाकी आप मतलब 1% मान सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम आ जाए, बाकी 99% है कि आपका हार्ड ड्राइव है वो वर्किंग कंडीशन में हो जाएगा, आप अपना डेटा वगैरह ले सकते हो कोई सी भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर जो कीजिए, कॉमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, आपको जो स्टेप्स मैंने बताई है उसी तरीके से आपको ये करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपसे नहीं हो रहा तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप उसमें ज़्यादा लगे मत रहिए। आपको अगर पहले मैकेनिक को दिखा लेना है, अगर मैकेनिक मना करता है उसके बाद में ही ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर
सकते हो या फिर आप अगले को बोल सकते हो कि ये चीज़ आप चेंज कर सकते हो क्या केयरफुली। अगर वो हाँ बोल देता है तो आप उसके पास में भी करा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।